शिवसेना के नगर सेवक पानी की जलकुंभी के कारण आक्रामक हो गए हैं, जो पिंपरी चिंचवड शहर में एक गर्म विषय है। शिवसेना के नगर सेवकों ने अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकने के गले में सीधे जलपर्णी माला डालने की कोशिश की गई। इसी बीच नगर सेवक और सुरक्षा कर्मी के बीच खींचतानी भी हुई, जिसके बाद नगर सेवक ने पालिका भवन में ही विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया। जलपर्णी को अतिरिक्त आयुक्त के गले में डालने की कोशिश करते हुए शिवसेना के नगर सेवक सचिन भोसले और सुरक्षा गार्ड के बीच हाथापाई देखी गई। पौना नदी में बड़ी संख्या में पानी की जलकुंभी है, जिनके कारण मच्छरों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसके चलते लोगों को काफी बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। भोसले ने जलकुंभी के संबंध में कुछ दिन पहले संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि थेर गांव क्षेत्र में नदी से पानी की जलकुंभी को नहीं हटाया गया था। भोसले ने अपने गले में जलकुंभी पहनकर आम सभा में जाने की कोशिश की। सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोक दिया। भोसले को हॉल के मुख्य द्वार के पास रोक दिया गया। घंटों यह हंगामा पिंपरी चिंचवड़ महापालिका में चला। स्थानीय लोगों की मांग है कि पालिका प्रशासन को भी इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और जल्द से जल्द नदी में स्थित जलकुंभी निकालकर नदी को स्वच्छ करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, वी एस एस न्यूज, पिंपरी चिंचवड़, पुणे।